कमांड को भी बोलना चाहता हूं उस मल्लिकार्जुन खड़गे के खड़गे को, इमीडिएटली सिद्धरामैया जी का इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए कर्नाटका मूडा स्कैम के बारे में सबको पता है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय सिद्धरामैया जी कल महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती के संदर्भ में बात करते समय में आत्मसाक्षी के बारे में बात किया है। मैं सिद्धरामैया जी को कहना चाहता हूं, अगर आपको आत्मसाक्षी है तो मूडा स्कैम के बारे में क्या 14 साइट्स वापस दिया वो उसके बारे में आपको आत्मसाक्षी है क्या? उसका पहले एक ह्यूबलेट वॉच 1 करोड़ रुपया का ह्यूबलेट वॉच भी आप वापस किए थे, उस समय भी आप आत्मसाक्षी के बात किए, वो बहुत बड़ा गलत था। 14 साइट्स जब हाईकोर्ट ने बताया और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने बताया, दो कोर्ट बताया सिद्धरामैया जी गलत किया है बोल के, आप 14 साइट्स वापस दिए। कोर्ट बोले थे 2 साइट लेने का जगह में 14 साइट्स लिए हैं सिद्धरामैया जी। आपको आत्मसाक्षी है तो इमीडिएटली आप इस्तीफा देना चाहिए बोल के मैं कहना चाहता हूं। और न्यायालय के बारे में कहते समय में सिद्धरामैया जी बताए हैं न्यायालय के ऊपर है आत्मसाक्षी। न्यायालय कंपैरिजन में न्यायालय कम है, कोर्ट्स कम है, लेकिन आत्मसाक्षी बहुत बड़ा है। आप न्यायालय को बंद करना चाहते क्या? इसलिए आत्मसाक्षी ये विषय बहुत बड़ा विषय है। आप बौद्धिक देते समय आप बोलिए, लेकिन आज के क्या जजमेंट दिए है उसके अनुसार आप जल्द से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए बोल के मैं बोलना चाहता हूं। बीजेपी का स्टैंड है कौन 14 साइट्स वापस लिए है? अधिकारी रघुनंदन कमिश्नर ऑफ दी मूडा, उनका सस्पेंड होना चाहिए इमीडिएट। वो 14 साइट्स वापस नहीं लेना था क्योंकि कोर्ट में कहा है 14 साइट्स क्या लिया है वो गलत है बोल के, उसका संदर्भ में कैसे वो रघुनंदन कमिश्नर ऑफ दी मूडा वापस लिया है और क्रयापत्र रद्द किया है। इसलिए मैं इमीडिएटली कहना चाहता हूं इमीडिएटली रघुनंदन को कमिश्नर को सस्पेंड करना चाहिए। देखिए कांग्रेस का सीएम सिद्धरामैया जी नागेंद्र बोल के एसटी मिनिस्टर, एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मिनिस्टर नागेंद्र का, उनके ऊपर चार्जशीट नहीं था, उनका ऊपर कुछ भी जजमेंट नहीं था, इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं था, फिर भी उनको बुलाकर इस्तीफा ले लिया सिद्धरामैया जी। नागेंद्र मिनिस्टर इस्तीफा देते हैं, आप लेते हैं, आप क्यों नहीं देते? ये आत्मसाक्षी नहीं है क्या आपको? ये ईश्वरप्पा के ऊपर ऐसा ही बोले थे। ईश्वरप्पा ने संतोष पाटिल का ओपिनियन के आधार पर इस्तीफा दिया है ईश्वरप्पा। उनके ऊपर कुछ भी चार्जशीट नहीं था, एफआईआर नहीं था, इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं था, ईश्वरप्पा इस्तीफा दे दिए थे, आप क्यों नहीं दे रहे? आप बहुत बड़े 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 बात डेमोक्रेसी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कोर्ट्स के बारे में बोलते हैं, आपके ऊपर ऐसे आरोप
ऐसे एलिगेशंस जब आते हैं, आप आत्मसाक्षी बात आत्मसाक्षी के बारे में बात करते हैं, कोर्ट के बारे में नहीं करते, इसलिए ये सब नहीं चलता है। इसलिए इमिडिएटली इस्तीफा देना चाहिए सिद्धरामैया जी बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस का हाई कमांड टीथलेस है, वो हाई कमांड है नाम के वास्ते है। अगर सिद्धरामैया जी इतना बड़े गलत किए हैं, दो दो कोर्ट्स उनके ऊपर जजमेंट दिया है, फिर भी इस्तीफा नहीं ले रहा है हाई कमांड है नाम के लिए, लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे। इसलिए मैं हाई कमांड को भी बोलना चाहता हूँ उस मल्लिकार्जुन खड़गे को, इमिडिएटली सिद्धरामैया जी का इस्तीफा लेना चाहिए।